लोको पायलट का वैकेंसी इतनी कम है जिसका कोई हद नहीं। अगर कोई संसद सदस्य खड़ा होकर सवाल पूछ दिया इतना वैकेंसी कम क्यों है, तो रेल मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। और अगर मंत्री गलत जवाब दे दिए, संसद के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, इनके ऊपर मुकदमा नहीं हो सकता है। इतना पावर है इस संसद का, इसके अंदर कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके अंदर कुछ भी बोल देंगे, बाहर बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट पकड़ लेगा। इसलिए नेताओं को दिखेगा अंदर हुआ कुछ बोल देते हैं। अच्छा, संसद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है इसकी जांच संसद में नहीं हो सकती, इसकी चर्चा भी नहीं हो सकती है संसद में कि जजों का आचरण सही नहीं है। वो जज कैसे बैठ रहा है, टाइम से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कितना छुट्टी पे है, कैसे टेबल का कुर्सी लगल है, अंग्रेजी बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, डोंट वरी, आपको कोई अधिकार नहीं है। ये दोनों आपस में हस्तक्षेप नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं टकराना चाहता। अभी न्यायिक नियुक्ति विधेयक आया था, रद्द कर दिए। इंदिरा गांधी की सरकार कोई को विधेयक ले आ रही थी, उसको रद्द कर दे रहे थे वो लोग। सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा होता है। तो बताइए, अगर आप ये जीतने के बाद पार्टी चेंज कर ली है तो आप पे दल बदल लगेगा, इधर से भगा देगा, उधर से भगा देगा सभापति। तो बस काम यही है, मॉनिटर का काम करता है। स्कूल में एगो मॉनिटर होते थे ना क्लास में, मॉनिटर तो इधर का मॉनिटर अध्यक्ष, इधर का मॉनिटर सभापति, सभा संज्ञा के ऊपर बैठे रहते लोग एकदम। यहाँ पे किसी को बोलना रहता है किसे बोलेंगे, सभापति। आ जवाब भी देना है तो सभापति, डायरेक्ट मुहा मुही देख के नहीं हो जवाब होता, बवाले कर देगा सर, दाते रिगा देगा सर, नहीं समझे, कोनो कुछ बोल देगा यहाँ पे। ओसे अच्छा, सब किसको देख के बोलिए, सभापति को। जवाब भी देना है तो सभापति को। जो भी भाषण दिया जाता है सब लिखा जाता है, नोट डाउन किया जाता है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई संसद सदस्य खड़ा होकर सवाल पूछ दिया तो मंत्री को बताना ही बताना है उसका जवाब, और अगर मंत्री गलत जवाब दे दिए तो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आएगा, और फिर निंदा प्रस्ताव के बाद सरकार गिर जाएगी, मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। तो अगर आपने पूछ दिया कि वैकेंसी इतना कम क्यों आ रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई है, हाँ, अगर कोई पूछ दिया कि इतना वैकेंसी कम क्यों है, तो रेल मंत्रालय को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि हो सकता है कि पता नहीं जवाब देने से पहले उन जो पूछने वाला है पूछ पाएंगे कि नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जवाब देना पड़ेगा उनको। अब वो बताएंगे कि सरकार के पास इतनी बजट नहीं है, या फिर वैकेंसी ही इतनी ज़्यादा नहीं है, लोको पायलट का वैकेंसी इतनी कम है जिसका कोई हद नहीं। रेलवे बहुत बड़ा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता केवल रेलवे है।